गाइस, हम आपको फरा किचन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बिहारी बोटी की रेसिपी लेके आए हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। हम इसमें दही शामिल करेंगे, 200 ग्राम दही है ये हम शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमने इसमें 2 स्पून पपीते का पेस्ट लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ा था। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें ये 200 ग्राम दही है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 स्पून ये क्रीम है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 स्पून ये इसमें जीरा पाउडर शामिल कर देंगे हम इसमें। 1 स्पून ये रेड चिली पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 स्पून हम इसमें ये सॉल्ट शामिल कर देंगे। 2 स्पून हम इसमें ये कबाब, बिहारी कबाब, ये बिहारी बोटी भी बना सकते हैं, अब इससे बिहारी कबाब भी बना सकते हैं, ये मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। टू स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बिहारी कबाब या बिहारी बोटी, ये दोनों में शामिल हो सकता है। हम ये 2 स्पून बिहारी बोटी या बिहारी कबाब बोल लो, ये मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 स्पून ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमने और मसाले भी शामिल किए हैं। अब इसमें हम ये 2 स्पून गेंजे गार्लिक पेस्ट है हम इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 स्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल। अब इसमें हम ये 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, ये घर का बना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हम इसमें ये 100 ग्राम तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हम इसे कढ़ाई में पकाएंगे। आप इसे सीखों में फ्रॉक के भी, कोयले पे भी, बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ओवन में भी इसे बारबेक्यू कर सकते हैं। हम इसे कढ़ाई में पकाएंगे। आप इसे सीखों में परोएं। जब ये 1 घंटे के लिए मैरिनेट हो जाए तो आप इसे सीखों में लगा के कोयले पर बारबेक्यू करें या ओवन में इसको बारबेक्यू करें। अगर ओवन में आप इसे बारबेक्यू करेंगे तो इस पर कोयले का स्मोक भी देना। हम इसे लास्ट में कोयले का स्मोक भी देंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसे आप हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हमारे व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमारी आपसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचा करें। अब इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए 1 घंटा हो गया। अब इसे हम कोयले का स्मोक देंगे। हम ये इस पर रखेंगे, इसमें कोयला रखेंगे और इसको स्मोक देंगे। अब इसे हम कोयले का स्मोक देंगे, इस पर हम ये ऑयल डालेंगे। अब इसे हम सिर्फ 20 सेकंड के लिए कवर कर देंगे। अब इस चिकन को स्मोक हुए 20 सेकंड हो गए, इसे ज़्यादा स्मोक नहीं देंगे। और ये जो इसमें तेल है, हम इसे भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम अपनी डिश में शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने कोयला धो के इसमें रखा था। और बकरे का जो तेल होगा, हम इसे आप इसे छान के संभाल के स्टोर करके रख सकते हैं। जब कभी बारबेक्यू बनाना हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ये बारबेक्यू तेल होगा। अब इसे हम इसका हम मसाला तैयार करेंगे। यही मसाला हम कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, शामिल करेंगे। अब हमने पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम ये 200 ग्राम हम ये कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें वो मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देंगे। फिर उसे अच्छी तरह इस तेल में भूनेंगे। जो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ये मैरिनेट की हुई
इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे कुकिंग ऑयल में, हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इसे आप इसे सीखों में लगा के कोयले पर भी बारबेक्यू कर सकते हैं, और इसे कोयले का ऊपर से स्मोक, अगर आप इसे ओवन में बारबेक्यू करें तो इसे कोयले का स्मोक ज़रूर दीजिएगा। हमने जो तेल बचा हुआ था इसका कोयले का स्मोकिंग, वो जब ये तैयार हो जाएगी हमारी डिश तो हम उसे ऊपर से इस डिश में शामिल कर देंगे ताकि इसमें और ज़बरदस्त एक स्मोकी टेस्ट आए। अब इसे हम 15 से 20 मिनट भूनेंगे इसे, यहाँ तक कि इसका ये एक अलहदा से मिक्सचर बन जाए और ये बिल्कुल भुन जाए। फिर इसे हम, अब इसमें हम सिर्फ ये हमने हरी मिर्चें काट दिए बारीक बारीक, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप सीखों पे लगा के इसे बारबेक्यू करेंगे तो आप वो हरी मिर्चों का पेस्ट बना दीजिएगा, ऐसे नहीं। अब इसमें हम वो हरी मिर्चें शामिल कर देंगे जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, फिर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें पपीते का पेस्ट लगा के इसे मैरिनेट किया था, इसीलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में अपने मसाले में मुर्गी गल जाएगी। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा फिर हम इसे 15 से 20 मिनट के बाद आपको इसको चेक करवाएंगे। हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे पका रहे हैं। हम बारबेक्यू चिकन भियारी चिकन बोटी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम चम्मच चलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे। हमने पानी इसमें एक बूंद भी नहीं डाला था, चिकन का अपना पानी है और हमने इसमें जो दही डाला था उसका पानी है। अब इसमें हम ये 8-10 हरी मिर्चें हम इसे इसमें पका रहे, इसलिए हमने इसमें मिर्चें काट के डाली हैं। अगर आप इसे सीखों पे पकाओ बारबेक्यू करें तो 8-10 हरी मिर्चें आप 8-10 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के अब इसमें शामिल कर सकते हैं। अब ये इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा फिर इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे, फिर इसे हम डिश में निकालेंगे। अभी इसको हम फिर कवर कर देंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। अब ये हमारी बिहारी रोटी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें जो ये थोड़ा सा कोयले का जो स्मोकी ऑयल बचा होता है इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसमें स्मोक ऊपर से भी स्मोक आए कोयले का। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसे भी शामिल कर लेंगे जो बचा हुआ ऑयल था, क्योंकि हमने कोयले को धो के हमने इसे चूल्हे पर रखा था। अब इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, फिर इसे डिश में निकाल के गार्निश करेंगे। अब हमने इस बिहारी बोटी को डिश में निकाल दिया है। इसमें हमने जो ऊपर से ऑयल डाला था बारबेक्यू के, इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे व्यूवर्स, हमने इतनी मेहनत से ये रेसिपी आपके लिए बनाई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब इसे हम स्लाइस टमाटर से और प्याज से गार्निश करें। हमारे व्यूवर्स, हमारी इस रेसिपी को आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ नोश फरमाइए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये, हमने अपने तरीके से बिहारी बोटी की रेसिपी बनाई है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हमारे व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर हम आपसे कहते हैं कि हम आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।